तो आज हम फोटो ट्रांजिस्टर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिसमें फोटो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, बैटरी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर जो कि मिली एम्पियर में है, और यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर है। तो बैटरी, करंट मीटर एंड फोटो ट्रांजिस्टर, ये तीनों सीरीज़ में है और वोल्ट मीटर पैरेलल है। तो सेम चीज़ यहाँ सर्किट बोर्ड पे रेडीमेड दी गई है, बैटरी, करंट मीटर, फोटो डायोड, ये तीनों सीरीज़ में है और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में है। तो ये जो है वैसे ही सर्किट को आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारी सर्किट है, ये बैटरी है। तो सबसे पहले बैटरी को सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि सर्किट को इनपुट मिल पाए। सिंपली ये आप ये ब्रेकेज है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो रेड टू रेड एक वायर रखेंगे, ये ब्लैक टू ब्लैक। तो अभी हमारी जो बैटरी है ये सर्किट के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हमारा सर्किट में वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, प्लस टू प्लस, रेड टू रेड, वैसे ही ब्लैक टू ब्लैक। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट हो चुका है। यहाँ मिली एम्पियर मतलब करंट मीटर दिया है, तो यहाँ पे आपको मिली एम्पियर मीटर करंट मीटर दिख जाएगा। तो उसको कनेक्ट कर लेंगे सर्किट वाले के साथ, रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक। तो यहाँ करंट मीटर कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर कनेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको फोटो ट्रांजिस्टर। तो ये जो है ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है, तो इसको हम अभी कनेक्ट कर लेंगे। ये रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे हमारा सर्किट कनेक्ट हो चुका है और ये हमारा पूरा सेटअप है। लास्ट में आपको एक लैम्प दिखेगा और यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये 50 सेंटीमीटर का स्केल है। तो मैंने इसको अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे फोटो ट्रांजिस्टर को प्लेस किया है। तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला कॉलम यहाँ पे वोल्टेज का है, फिर अलग अलग करंट के 3 कॉलम है जो कि करंट हमें मिली एम्प्स में मिलेगा। अलग अलग 3 डिस्टेंस दिए, पहले हम 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेट करेंगे। ओके, तो ये जो लैम्प है ये ऑलरेडी 1 पे है, तो लैम्प को हम 27 सेंटीमीटर पे लेके आते हैं। तो अभी ये जो हमारा लैम्प है ये 27 सेंटीमीटर पे है, तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पे 27 सेंटीमीटर फिक्स हो चुका है। अब क्या करेंगे, वोल्टेज को 0.25, 0.5, 0.75 ऐसे हम चेंज करते जाएंगे और करंट जो भी मिलेगा उसे हम लिखते जाएंगे। तो सर्किट को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से हम वोल्टेज में वेरिएशन लाएंगे। ये 0.5 है यहाँ पे, तो बीच में 0.25 आएगा, तो ये 0.25 किया है। तो 0.25 जब हमने लिया है तभी हमें करंट कितना मिल रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे मिली एम्प्स में। ओके, यहाँ पे लैम्प को चालू करना बाकी रह गया था, तो पहले हम लैम्प को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब लैम्प स्टार्ट है और यहाँ पे फोटो डाइट पे ये लाइट फॉल हो रही है। तो जैसे कि बोला था कि वोल्टेज पे हम पहले 0.25 सेट करेंगे, तो यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो 0.25 सेट होगा। देखिए 0.25 सेट हो चुका है और यहाँ से हमें करंट कितना मिल रहा है वो देख लेना है। देखिए 0 के बाद 2 लिखा है और बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू हमारी हो जाती है 0.2। तो अभी शायद 5th या 6th नंबर के डिवीजन पे हमारा रीडिंग है। अगर 6th नंबर के डिवीजन पे होगा तो 6 डिवीजन मल्टीप्लाई 0.2, तो हमारा रीडिंग बनेगा 1.2। तो 0.25 के सामने यहाँ लिखेंगे हम 1.2, फिर 0.50 करेंगे तो ये मैंने कर दिया 0.5। अब करंट कितना मिल रहा है हमें, तो ऑलमोस्ट 2 के अराउंड मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 0.5 पे लिख देंगे 2। अब 0.75 करेंगे तो ऐसे यहाँ से इंक्रीज करेंगे इसको, ये तो 0.75 हो गया, तो यहाँ पे करंट भी इंक्रीज होगा ऐसे 1, 1.25, ऐसे सेम स्लैब से 3 तक जाना है। और 3 तक जाते जाते जो भी करंट मिलता है वो करंट हमें साथ में लिखते जाना है, तो यहाँ पे हम सारा करंट साथ में लिखते जाएंगे। तो ये जो रीडिंग्स हो वो हमारे फॉर द डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर हो गया। हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, 30 सेंटीमीटर करेंगे। तो ये जो 27 था यहाँ पे वो हम कर लेते हैं 30 सेंटीमीटर। तो ये अभी 30 सेंटीमीटर पे है और ये वाला प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, वोल्टेज चेंज करते जाएंगे और करंट जो मिला वो लिखते जाएंगे। तो अगेन इसको 0 कर दिया है। अब यहाँ से आप वोल्टेज 0.25, 0.5,
0.75, 1, 1.5 ऐसे अब इंक्रीज़ करते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग में जो भी हमें यहाँ करंट मिलेगा वो करंट हम लिखते जाएंगे। तो 30 सेंटीमीटर के रीडिंग हो जाए तो फिर से इसको एक बार ज़ीरो कर दीजिए, और अब डिस्टेंस फिर से 3 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करना है, और ये वाला जो डिस्टेंस अब सेट करेंगे इसको थोड़ा पीछे करके 33 सेंटीमीटर। तो ऐसे तीन हमें अलग अलग डिस्टेंस के लिए करंट मिलेंगे। तो अभी हमारे पास दो ही वेरिएशन है, वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज को रखेंगे और वाई एक्सिस पे करंट को रखेंगे। तो कुछ ग्राफ हमें इस तरीके से मिलेगा। ये जो है फोटो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है, यहाँ पे आपको दिखेगा। ये जो पूरे रीडिंग्स है डॉट है, ये 27 सेंटीमीटर के हैं, ये 30 सेंटीमीटर के और ये 33 सेंटीमीटर के। तो आप देखेंगे कि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, तो इंक्रीज होता जाता है मतलब कि जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कम होती है। तो जैसे इंटेंसिटी कम होती है तो साथ में करंट भी कम होता है। यह आपको दिखेगा कि इंक्रीज बढ़ रहा है तो करंट यहाँ पे, सॉरी ये डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है, तो इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो करंट भी साथ में डिक्रीज होता है। ये है, और यहाँ पे ये नेचर है, और यहाँ पे ये रिजल्ट है।